वैसे तो नैनीताल में काफ़ी सारे स्टे के ऑप्शंस हैं, बट कुछ स्टेस ऐसे भी हैं जो सिर्फ स्टे नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस बन जाते हैं। और हम पहुंचे एक ऐसी ही जगह इन नैनीताल, एंड लिटिल डिड वी नो दैट दिस विल बिकम अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर अस, शेवरॉन फेयर हेवंस। अभी हमें नैनीताल में, और नैनीताल में हम लोग रुके हुए हैं इस ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी में जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम है होटल शेवरॉन फेयर हेवंस। ये प्रॉपर्टी जो है ये बड़ा बाजार से ऑलमोस्ट 200 मीटर्स की डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे आने के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रगल होने वाला है अगर आप सेल्फ ड्राइव करके आने वाला, पहाड़ों के ऊपर भी आपने ड्राइव नहीं किया है तो उसके लिए आप यहाँ से इनको कॉल करके ड्राइवर को बुला सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप खुद ही यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं इस प्रॉपर्टी का पूरा टूर, और कहाँ से आप बुक कर सकते हैं, क्या क्या इसका प्राइस है, और ये प्रॉपर्टी क्यों खास है अगर आप नैनीताल में आ रहे हैं। प्रॉपर्टी में एंटर करते ही एकदम रॉयल फील आता है, और प्रॉपर्टी वेलकम करती है विद लश ग्रीन लॉन एरिया एंड ब्यूटीफुल माउंटेन व्यूज। हाँ, एंटर करते हैं प्रॉपर्टी में, दिखाते हैं आपको इस प्रॉपर्टी में हमारा रूम कौन सा है। सो दिस इज़ द एंट्रेंस एरिया, यहाँ पे रिसेप्शन है। चलते हैं अपने रूम की तरफ, काफ़ी स्पेस है रूम के बाहर भी बैठने का, इतना सुंदर सा एकदम बढ़िया। वाह, एंड दिस इज आवर रूम 100। वाओ, रूम एक्चुअली ये काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ पे बेड लगा हुआ है और बैठने का भी सिटिंग एरिया है। आप अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पे अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। And this is the washroom. Washroom में काफी spacious है. Yes. काफी अच्छा रूम है. हमने कौन सा बुक किया ये होटल, जो रूम है हमारा? हमारा है Emperor Suite. And it is actually very sweet. Emperor वाला फील भी आता है इसमें आपको। तो यहाँ पे आपको दो रूम्स मिलते हैं, तो हमें ये आइडिया नहीं था, तो अगर आप फैमिली के लिए आ रहे हैं तो ये वाला रूम आप बुक कर सकते हैं जिसमें कि आपको काफी स्पेस मिल जाएगा जहाँ पे बैठ के आप अपना एंजॉय भी कर सकते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे फायरवुड के लिए भी स्पेस है जैसा ब्रिटिश बंगलोज में यूजुअली होता था। और रूम से बाहर निकलते ही जो व्यू होने वाला है वो एकदम अगर आप यहाँ पे होटल अपना रूम बुक करते हैं और आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर करते हैं तो डेफिनेटली आपको आपकी विंडो से लेक दिखने वाली है। यहाँ पे एक्चुअली बालकनी वाला सिस्टम नहीं है, हमने भी और रूम्स भी देखे थे, बाकी वो रूम्स थोड़ा छोटे हैं और सिंगल रूम है, लेकिन वहाँ से डेफिनेटली आपको पूरा लेक व्यू मिलने वाला है विंडो से। रूम जो हमने बुक किया था ये हमें ऑलमोस्ट 5000 रुपीज़ का अभी पड़ा था। अभी एक्चुअली सीजन टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, तो मे बी ड्यूरिंग द समर्स यहाँ पे इसका रेट ज़्यादा हो सकता है, अकॉर्डिंगली प्राइस वेरी करते हैं होटल के। तो प्लस हमारे पैकेज में जो है डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है,
तो वो भी एक ऑप्शन है। आप ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच तीनों भी इंक्लूड करा सकते हैं जैसे आप बुकिंग करें। हमने agoda.com से बुक किया था। सो दिस इज इट, बट इट इज रियली गुड। मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं, agoda, मेक माई ट्रिप और गो आई बी गो, इन सब पे ये वाला होटल अवेलेबल है, तो आप वहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे करने वाले एकदम कितना मस्त मजा आ रहा है यार। Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arm. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the biting, liking for you is all. प्लस ये जो एंटायर बंगलो है, ये ब्रिटिश एरा का जो है बंगलो, उस स्टाइल में बना हुआ है। इसमें फायर प्लेस के लिए है, पूरा स्टोन का है, और इंटीरियर्स भी इसके इतने ह्यूज हैं। सीलिंग स्पेस, रूम स्पेस, एवरीथिंग इज जस्ट यू नो, ऐसा मूवीज़ में बंगलोज और वो सब जो देखते हैं उस टाइप का फील आएगा। यहाँ पर बिल्कुल एंटीक ये प्रॉपर्टी है और काफ़ी डिफरेंट। हमें इस तरीके का ही ऐसा ऑफ बीट लोकेशंस पसंद है, और नॉइंटल ऑफ बीट तो नहीं है बट प्रॉपर्टी थोड़ा सा हमने ऑफ बीट चूज़ करी है। होटल्स तो आपको काफ़ी मिल जाएगा, काफ़ी सस्ते भी आपको होटल मिल जाएंगे, लेकिन सीजन टाइम में यहाँ पे लोग सारे के सारे होटल्स के प्राइस बढ़ा देते हैं। इवन अभी हमने जो हमारे बोट वाले थे उनसे बात की थी भैया से, तो वो बता रहे थे कि लास्ट टाइम तो इतने ज़्यादा टूरिस्ट आए थे, लोगों ने अपने घर तक रेंट पर दे दिए थे, यहाँ पर होटल्स अवेलेबल ही नहीं थे। सो नैनीताल इज़ टू मच कमर्शलाइज्ड गाइस, टू मच कमर्शलाइज्ड। इस प्रॉपर्टी की एक और खास बात यह है कि यहाँ पर बच्चों के लिए पार्क भी है, तो आपको लेके चलते हैं पार्क में। The hotel also has a small kids play area in the backyard, जहाँ पे कुछ झूले लगे हुए हैं। Although off season होने की वजह से it was not very well maintained, but season time में kids can enjoy some activities here. So Paris, कैसा लग रहा है? मुझे तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही मजेदार लग रही है। अब मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ पे अपना स्टे दोनों दिन का यहीं करना चाहिए था। मॉल रोड का जो वो है ना ग्लैमर, वो हमें वहाँ पे उस होटल में इसलिए हम रुके थे कि मॉल रोड हम घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे रात में, मॉल रोड अच्छे से घूमेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, वही सब चीज़ें। ये प्रॉपर्टी तो बहुत बट ये लोग भी एक्चुअली इनकी वैन जाती है, अगर मॉल रोड जाना है तो 10 o'clock से 7:30 तक इवनिंग ये लोग आपको मॉल रोड छोड़ के वहीं से फिर पिकअप कर लेते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर अगर आप अपनी गाड़ी नहीं निकालना चाहते हैं तो। इनकी वैन में जा सकते हैं फिर वो पिक कर लेंगे, लेकिन उसका ये ड्रॉबैक है कि वो शाम को 7 बजे तक ही अवेलेबल है, 7:30 अवेलेबल है। और मॉल रोड का यहाँ पे जो क्लोजिंग टाइम है वो ऑलमोस्ट 10-11 बजे तक है। हाँ। ओके, तो अभी हो गया हमारा लंच टाइम, हम ऑर्डर करते हैं अपना लंच और इन्जॉय करते हैं लंच। मिलते हैं आपसे आफ्टर लंच और आपको रिव्यूज़ देंगे कि लंच कैसा था यहाँ पे। जब तक हम अपना लंच इन्जॉय करते हैं, आपको छोड़ कर जाते हैं इस ब्यूटीफुल से व्यू के साथ। आफ्टर लंच थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हमने प्रॉपर्टी लॉन एंड गार्डन एरिया में ही इवनिंग वॉक किया और यहाँ से माउंटेन्स एंड लेक के खूबसूरत नज़ारे इंजॉय किए। तो गाइज़ अभी हो चुका है डिनर टाइम और शूटिंग के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया था और उसके बाद अभी हम डिनर करेंगे। तो डिनर पे वैसे एक्चुअली यहाँ पे बूफे लगता है, बट अभी जो है सीजन टाइम नहीं है तो ऑक्यूपेंसी कम है, तो ये लोग हमें डिनर रूम पे ही सर्व कर देंगे और सारे बूफे के आइटम्स यहाँ पे हमें अवेलेबल हो जाएंगे। एक्चुअली हमारे पास दोनों ऑप्शन थे, हम वहाँ पे जाके भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी लगवाने का इन्होंने हमें बोला था, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमने बोला कि अब रूम पे ही हम डिनर करेंगे। तो अभी हमारा आ चुका है सूप, जैसे कि हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं, और खाने का भी इन्होंने पूरा जो है आइटम वो सब ला के रख दिया है अभी, जिसमें कि तवा रोटी है। ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे, क्योंकि होटल्स में यूजुअली तंदूरी रोटी और ये सब सर्व की जाती है जो कि ज़्यादा खाई नहीं जाती। मुझे तो स्पेशली मैं तवा रोटी ही प्रेफर करता हूँ,
हम लोग इवन इनफैक्ट तृप्ति भी तवा रोटी ही प्रेफर करती है, और इसमें काफ़ी सारे आइटम ये लोग लेके आए हैं, सैलड ही है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। एंड ओवर देयर हमारा छोटा सा वर्क स्टेशन जहाँ पे भी डेटा कॉपी हो रहा है, और व्लॉग आएगा जल्दी ही। यस, खाना यहाँ का बहुत ही टेस्टी था, तो वेजिटेरियन जो आइटम्स थे तो काफ़ी टेस्टी थे, बाकी नॉनवेज के रिव्यूज पारस से पूछते हैं। हाँ, वो भी काफ़ी अच्छा था। तो अभी हमने सोचा कि खाना तो खूब खा लिया है, थोड़ा सा हम वॉक कर लेते हैं आफ्टर डिनर, जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे लिए तो मेरे लिए भी। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी अच्छी लगी होगी, और आप कभी अपना यहाँ पे आने का प्लान करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। Then I